हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक पॉलीनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करें और उसके जो जीरोस है और उसके जो कोफिशिएंट है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, उस सब की सारी डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि एक डायग्राम दिया था और उससे हम कैसे पता लगाए कि ये जो कर होता है उसके कितने जीरोस है। तो आज हमें एक पॉलीनोमियल दिया है और वो जो जीरोस है उसकी वैल्यूज क्या होगी वो हमको फाइंड करनी है। ओके, तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4x² - 3x + 1 - 1। ओके, तो ये पॉलीनोमियल दिया है। अभी हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले ये जो पॉलीनोमियल है उसको उसके जनरल फॉर्म में लिखिए। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। यानी कि पहले x स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर x वाली टर्म और लास्ट में कांस्टेंट वाली टर्म होती है। ओके, तो हमको इस पॉलीनोमियल को इस जनरल फॉर्म में लिखना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो पहले देखते हैं कि ये जो पॉलीनोमियल है ये अपने जनरल फॉर्म में है कि नहीं। पहले x स्क्वायर वाली टर्म है, बाद में x वाली और लास्ट में कांस्टेंट वाली, तो ये पहले से ही अपने जनरल फॉर्म में है, तो हमको इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इसके जनरल फॉर्म में नहीं होती, जैसे कि ऐसा होता अगर क्वेश्चन में दिया होता कि p ऑफ x पॉलीनोमियल ऐसा है -3x + 4x² - 1, तो ये अपने जनरल फॉर्म में नहीं है। क्योंकि हम इसको क्यों जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि हम जो मेथड यूज करने वाले हैं जीरोस फाइंड करने के लिए, उसके लिए पॉलीनोमियल अपने जनरल फॉर्म में होना जरूरी है, तभी हम वो मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हमको इसको जनरल फॉर्म में लाना होता पहले ऐसे, पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और कांस्टेंट वाली टर्म। ओके, तो अपना फर्स्ट स्टेप है कि पॉलीनोमियल को जनरल फॉर्म में लिखिए। ओके, ये हो गया। और दूसरा स्टेप में हम करेंगे कि ये जो हमको पॉलीनोमियल मिला जनरल फॉर्म के रूप में, हम इसको p(x) = 0 के साथ इसकी कंपैरिजन करेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए। अभी हम ये इसको जीरो के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं ये भी जान लेते हैं। ओके, तो किसी भी पॉलीनोमियल, कोई भी पॉलीनोमियल है p(x), इसके जीरोस हम किसे बोलेंगे? हम इसके जीरोस उसे ही बोलेंगे कि जैसे कि x = k के लिए p(x) की वैल्यू 0 हो रही है, तो हम k को इस पॉलीनोमियल का 0 बोलेंगे। ठीक है, तो 0 बोलेंगे तो p(k) = 0 होगा। ओके, तो अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो x है हमारे जीरोस है, तो अगर x हमारा जीरोस है पॉलीनोमियल का, तो p(x) की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x हम 0 मान रहे हैं, पॉलीनोमियल का जीरोस मान रहे हैं x को, तो p(x) पे पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 होगी, जैसे यहाँ p(k) पे हो रही थी, वैसे ही p(x) पे यहाँ पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x हमारा जीरोस है पॉलीनोमियल का। ओके, तो हम p(x) को 0 के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। ओके, तो अभी हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये अपने जनरल फॉर्म में तो है ही, तो हम ये सारे जो कोफिशिएंट है इसके, ये 4, -3 और -1, इन सबको लिख लेंगे पहले। तो 4, -3, -1, अभी ये हमारा जो a है और c है, इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 क्रॉस -1, ये फर्स्ट टर्म के
कोफिशियंट का और लास्ट टर्म के कोफिशियंट का, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस फोर। तो ये जो माइनस फोर है इसको हम उसकी साइन अलग लिखेंगे और फोर अलग लिखेंगे। ओके, तो ये उसकी साइन है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। और जो बीच वाला है माइनस थ्री, उसको हम इसके बाद में लिख देंगे माइनस थ्री, तो उसकी भी साइन अलग लिखेंगे और उसका मैग्नीट्यूड अलग लिखेंगे। ओके, क्या किया, ये जो था इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, साइन अलग मैग्नीट्यूड अलग, और बीच वाला था उसको ऐसा का ऐसा रख दिया। अभी क्या करना है कि ये जो फोर है उसके उसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि जो ये दो नंबर मिले जैसे कि अल्फा और बीटा, तो अगर मैं अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन करूं तो मुझे ये फोर वापस मिल जाना चाहिए, यानी कि अल्फा और बीटा फोर होना चाहिए। और या तो मैं अल्फा और बीटा का एडिशन करूंगा या मल्टीप्लीकेशन करूंगा, सॉरी एडिशन करूंगा या सब्ट्रैक्शन करूंगा। तो ये कैसे पता लगाऊं कि मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा या सब्ट्रैक्शन, वो हमें इंडिकेट करेगा, वो हमको ये साइन बताएगा। अगर यहाँ माइनस है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे अल्फा और बीटा का, और अगर प्लस है, इधर प्लस होगा तो हम उसका एडिशन करेंगे, और वो जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अभी हम 4 का फैक्टराइज करेंगे, तो 4 को हम कैसे करेंगे कि 2 क्रॉस 2 भी 4 होता है, 4 क्रॉस 1 भी 4 होता है, तो 4 क्रॉस 1 है, तो ये देखो 4 क्रॉस 1, अभी 4 क्रॉस 1 का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 4 मिल जाएगा, और 4 और 1 का क्या करूंगा तो ये मिलेगा, माइनस करने पे ये मिल रहा है, हाँ तो माइनस करने पे 4 माइनस 1 पे 3 मिल रहा है, तो 4 और 1 लेंगे और ये वाला नहीं लेंगे, 4 और 1 लेंगे, 2 क्रॉस 2 नहीं लेंगे, क्योंकि ये कंडीशन हो रही है। अभी अभी ये जो साइन है वो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको दे देंगे, ये जो भी साइन है, अगर माइनस है तो माइनस दे देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, लेकिन बड़े वाले को देंगे। तो 4 और 1 में बड़ा कौन है, 4, तो उसको हम ये माइनस दे देंगे। अभी 1 बोल रहा है मुझे भी कोई साइन चाहिए भाई, तो 1 को हम कैसे साइन देंगे, अगर इधर सब्ट्रैक्शन की साइन है, माइनस की साइन है, तो पहले वाले को जो साइन दी उसकी ऑपोजिट साइन हम दूसरे वाले को देंगे, यानी कि इधर माइनस है तो हम इसको प्लस देंगे, लेकिन अगर इधर प्लस होता तो जो पहले वाले को साइन दी वही साइन हम दूसरे वाले को भी देते। ओके, लेकिन फिलहाल अभी इधर माइनस है और 4 को हमने माइनस दिया तो ऑपोजिट साइन देंगे, तो इधर हम प्लस देंगे। ओके, तो अभी ये जो हमारा इक्वेशन है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस x, इधर सब आप x मान सकते हो क्योंकि तो जनरल फॉर्म में है तो हम x लिखने की जरूरत नहीं है, इधर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, इसमें से और इसमें से, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से 4x कॉमन निकलेगा x माइनस 1, उसमें से 1 कॉमन निकलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इधर 4x कॉमन निकाला और इधर 1 कॉमन निकाला, तो अभी अपना जो फैक्टर बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ 4x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें से या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो हम लिखेंगे 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इधर से x की वैल्यू आएगी माइनस 1 बाई 4 और इधर से x की वैल्यू आएगी 1, तो ये दो जो वैल्यू मिली ये दो इस पॉलीनोमियल के जीरोस है। ओके, तो इस पॉलीनोमियल के हमको दो जीरोस मिले, एक माइनस 1 बाई 4 और 1। अभी हमको ये चेक करना है कि इन दोनों का सम है वो अपने फॉर्मूला माइनस बी बाई ए जितना हो रहा है कि नहीं, तो ये इसको हम अल्फा बोल देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 और बीटा बोल देते हैं 1। अभी अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, माइनस 1 बाई 4 प्लस 1
इज इक्वल टू, दोनों का 4 करेंगे इधर 4 आ जाएगा माइनस 1, तो 3 हो जाएगा 3/4। और माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी हो रही है, तो माइनस माइनस बाहर बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू माइनस 3 और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो इसकी वैल्यू भी 3/4 आ रही है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होल्ड कर रहा है, तो ये सही है। और दूसरी भी एक रिलेशन होती है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो हम पहले अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू माइनस 1/4, बीटा की वैल्यू 1 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 1/4। ओके, और सी बाई ए की वैल्यू, तो सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है माइनस 1 और ए की वैल्यू 4, तो ये भी माइनस 1/4 आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है रिलेशन, ये भी होल्ड हो रही है। ओके, तो यह हमारा क्वेश्चन 1 है, वो कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है 3x² + 4x - 4। तो पहले हम देखेंगे कि ये जनरल फॉर्म में है कि नहीं। मैं देख सकता हूँ कि ये जनरल फॉर्म में है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कॉन्स्टेंट वाली टर्म, तो ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जनरल फॉर्म में है। अभी हम क्या करेंगे, ये पी ऑफ एक्स है, ये पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 4x - 4। ओके, अभी हम पी ऑफ एक्स को 0 के साथ कंपेयर करेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ x हो जाएगा 3x² + 4x - 4 इज इक्वल टू 0। अभी हमको इसको सॉल्व करना है, तो फिर से वही करेंगे, इसका कोफिशिएंट 3 + 4 - 4, तो हम पहले और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 3 × -4 कितना होगा -12। तो अभी ये जो -12 मिला, उसका जो होगा वो हम साइन अलग रखेंगे और 12 अलग रखेंगे, और जो बीच वाला है वो क्या है +4, तो उसका भी प्लस साइन अलग लिखेंगे, 4 अलग लिखेंगे। ओके, अभी 12 का मुझे ऐसा फैक्टराइज करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो, और इधर से हम मालूम कर सकते हैं कि जिसका सब्ट्रैक्शन ये 4 हो। ओके, तो 12 का कितना, 12 × 1 = 12 होता है, फिर 4 × 3 = 12 होता है, फिर 6 × 2 = 12 होता है, तो 6 × 2 हम ले सकते हैं, क्योंकि देखो 6 × 2 लेंगे तो 12 बन जाएगा, और 6 - 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा। ओके, और अभी इसको साइन देनी है, तो साइन कैसे देंगे, इधर प्लस है तो प्लस वाली साइन बड़े वाले को देगी, तो बड़ा वाला कौन सा है 6, तो इधर 6 को प्लस दे देंगे। अभी ये छोटा वाला है उसको भी साइन चाहिए, तो इधर माइनस है, तो जो पहले वाले को साइन दी उसकी ऑपोजिट साइन दूसरे वाले को देनी है, तो पहले को हमने पॉजिटिव दी, तो दूसरे वाले की साइन इधर माइनस होने के कारण ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, तो अभी हम अपना इक्वेशन इस प्रकार लिख सकते हैं, 3x² + 6x - 2x - 4। ओके, तो अभी हम इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन इसमें से 3x निकलेगा, तो इधर आ जाएगा x + 2, और इसमें से -2 कॉमन निकलेगा, तो इधर आ जाएगा x + 2 = 0, और इसके फैक्टर बन जाएंगे 3x - 2 और x + 2 = 0। अभी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो 3x - 2 = 0 और x + 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। ओके, तो ये जो वैल्यू आई ये इस पॉलीनोमियल के जीरोस है, तो जीरोस, एक जीरोस है 2/3 और दूसरा जीरोस है -2। अभी इन दोनों का सम करेंगे, तो सम कितना आना चाहिए, -b/a, तो b की वैल्यू कितनी है इसमें 4, तो ये -4/3, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए c/a, तो c - 4/3। तो ये भी करके देख लेते हैं, 2/3 और -2 इन दोनों का सम करो, तो सम कितना आएगा इसका, इसका सम करेंगे तो यह भी 3 आना चाहिए, यह भी 3 करेंगे तो ये 3 × 2 = 6 - 4/3, इसका सम -4/3 आना चाहिए, -4/3
आ गया। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 2/3 इंटू -2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -4/3, कितना आ जाए -4/3, -4/3 आ गया। तो ये रिलेशन भी सही है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 4 खत्म होता है। ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है x² + 5x - 40। ओके, सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 5x - 40। ओके, अभी पहले तो देखेंगे कि ये जनरल फॉर्म में है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये जनरल फॉर्म में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम करेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x² + 5x - 14 इज इक्वल टू 0। अभी फिर से फर्स्ट का कोफिशियंट और लास्ट का कोफिशियंट 1 × -14, तो ये आ जाएगा -14। तो इसकी साइन अलग लिखेंगे, मैग्नीट्यूड अलग लिखेंगे, और बीच वाला है +5, तो ये प्लस अलग और 5 अलग लिखेंगे। अभी 14 का हमको फैक्टराइज करना है, जिसके सी जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 14 आएगा, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो 5 आना चाहिए। ओके, तो 14, तो 14 इन 14 प्लस 1 करेंगे तो नहीं होगा, 7 × 2 भी 14 होता है, तो 7 × 2 करेंगे, 7 × 2 14 होगा, और उसका सब्सट्रैक्शन करेगा तो 5 आ जाएगा। ओके, अभी ये जो साइन है, तो ये जो प्लस वाली साइन है, इन दोनों में से जो बड़ा है उसको देनी है, तो बड़ा 7 है तो प्लस देंगे, और इधर माइनस है तो इसको ऑपोजिट साइन मिलेगी, तो प्लस की ऑपोजिट माइनस। ओके, तो हम अपना इक्वेशन अभी लिख सकते हैं x² + 7x - 2x - 14 = 0। अभी हम इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से x कॉमन निकलेगा तो x + 7, और इसमें से -2 कॉमन निकलेगा तो x + 7 = 0। अभी इन दोनों से x + 7 और x - 2 = 0, तो इसके रूट आ जाएंगे x = -7 और x = 2। अभी इन दोनों का जो सम है वो -b/a होना चाहिए, तो -b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1, तो -5, सम कितना आएगा -2 + 2, -5 आ जाएगा। ओके, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन c की वैल्यू कितनी है -14, e की वैल्यू 1, -14, तो -7 × 2 - 14 आ जाएगा। ओके, तो ये भी रिलेशन होल्ड कर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7y² - 11y3y - 2y3। तो p ऑफ x की वैल्यू जो है वो 7y² - 11y3y - 2y3 हो जाएगी, और ये जनरल फॉर्म में है, y² y कांस्टेंट। ओके, अभी हम p ऑफ x को 0 के साथ कंपेयर करेंगे, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो 7y² - 11y3y - 2y3 इज इक्वल टू 0। जब भी आप ऐसा देखे कि ये डिनोमिनेटर में कुछ नंबर हो, तो हम सारे टर्म के डिनोमिनेटर सेम कर देंगे पहले तो। ओके, तो एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे आ जाएगा 3, इधर 1 होगा तो 3, तो 7 × 3 = 21, 21y² - 11y - 2 = 0। ओके, ये याद रखना। अभी 3 तो इधर चला जाएगा तो वो तो 0 हो जाएगा, तो 11y² - 11y - 2 = 0 हो जाएगा। तो अभी आप मुझे बताएं, ये सॉल्व करना इजी है या ये सॉल्व करना इजी है, ठीक है ना? तो ये सॉल्व करना ज़्यादा इजी है। तो अभी हम ये वही फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का कोफिशियंट, उनका मल्टीप्लिकेशन 21 × -2 - 42, तो उसकी साइन अलग लिखेंगे, 42 अलग लिखेंगे, बीच वाले का -11 माइनस अलग लिखेंगे, 11 अलग लिखेंगे। अभी 42 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 42 मिलना चाहिए, और सब्सट्रैक्शन करूँ तो 11 मिलना चाहिए। ओके, तो 42 का मैं क्या कर सकता हूँ, 21 × 2 सब्सट्रैक्शन करूँगा, 11 नहीं मिलेगा। ओके, अगेन 14 × 3 42 होता है, और 14 -3 करूँगा तो 11 मिल जाएगा, तो 14 × 3। अभी ये जो माइनस साइन है वो बड़े वाले को देंगे तो बड़े वाले को, और छोटे वाले को कौन से साइन देंगे, इधर माइनस है तो बड़े वाले की ऑपोजिट साइन देंगे, तो माइनस है तो प्लस देंगे। तो अभी अपना इक्वेशन बन जाएगा 11y²
माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 7y, 7y इधर आ जाएगा 3y माइनस 2 प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर तो प्लस 1 आ जाएगा, ये 3y वो कॉमन निकल जाएगा 3y बाई 2, 3y माइनस 2, और अभी इसमें से 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अभी y की वैल्यू होगी 2 बाई 3 और y की वैल्यू होगी माइनस 1 बाई 7। अभी मैं वो रिलेशन वाला नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, तो ये इक्वेशन 2 को रूट 3b माइनस 15। ओके, तो p ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस 4 रूट 3b माइनस 15। बी ए जनरल फॉर्म में है, यस है, स्क्वायर बी। ओके, सबसे पहले यही देखना है कि जनरल फॉर्म में है कि नहीं। अगर जनरल फॉर्म में नहीं होगा तो पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, आंसर रॉन्ग आएगा। ओके, तो अभी हम इसको पी ऑफ एक्स को जीरो से कंपेयर कर लेंगे, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4 रूट 3b माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी इसका कौन है 1 और माइनस 15, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, माइनस 15, तो माइनस अलग 15 अलग, और बीच वाले का क्या है प्लस 4 रूट 3, तो प्लस अलग और 4 रूट 3 अलग। अभी 15 के कैसे हम फैक्टराइज किए, जिससे मल्टीप्लिकेशन करें तो 15 आना चाहिए और इधर सब्ट्रैक्शन करें तो 4 रूट 3 आना चाहिए। ओके, तो रूट 3 इधर कुछ हम यूनिक लग रहा है, तो हम देखेंगे कि 15 में रूट 3 आ सकता है या नहीं। तो 15 के हम फैक्टर निकालेंगे तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हम 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 15। तो ये टर्म हो गया और ये टर्म हो गया, देखो 5√3 और √3, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15 आ जाएगा और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे तो 4√3 आ जाएगा, क्योंकि √3 दोनों में सेम है तो √3 कॉमन निकल जाएगा और 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4√3, तो वही तो चाहिए। ओके, तो इसके फैक्टर बन जाएगा 5√3 और √3। अभी साइन देनी है तो बड़ा कौन है ये वाला, तो इसको प्लस साइन दे देंगे, इधर माइनस है तो इसको बड़े वाले की ऑपोजिट साइन देंगे तो इधर माइनस आ जाएगा। तो अभी ये इक्वेशन बन जाएगा वी स्क्वायर 5√3b माइनस √3b माइनस 15 इक्वल टू 0। अभी इसमें से वी, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें से वी कॉमन निकलेगा वी प्लस 5√3, इसमें से माइनस √3 कॉमन निकलेगा तो वी प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसमें से ये कॉमन निकल जाएगा वी प्लस 5√3, तो बच जाएगा वी माइनस √3 इज इक्वल टू 0। इधर से वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/3 और इधर से वी की वैल्यू आ जाएगी √3, तो इसके जीरोस हो गए माइनस फाइव रूट थ्री और √3। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन बाई 2√5y-5। ओके, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 3/2√5y-5। ओके, जनरल फॉर्म में है। ओके, तो अभी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, तो वाई स्क्वायर प्लस 3/2√5y-5 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बोला था कि ऐसा डिनोमिनेटर में कुछ भी दिखे तो सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हम पहले एलसीएम ले लेंगे 2 से, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y² आ जाएगा, ये 3√5y रहेगा, इधर 2 आएगा तो ये 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो वो तो 0 ही रहेगा, 0 × 2 = 0, तो 2y² 3√5y-10 इज इक्वल टू 0। ये जो आ गया इसके हम फिर से वो कोफिशिएंट से फैक्टर निकालेंगे, तो इधर 2 है, इधर -10 है, माइनस ये 2 - 10 मल्टीप्लिकेशन क्या होगा -20। ओके, अभी ये माइनस अलग 20 अलग, बीच में क्या है ये प्लस अलग 3√5 अलग। अभी 20 के फैक्टर बनाएंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 20 हो और सब्सट्रैक्शन करें तो 3√5 अलग। अजीब बात है, सारे क्वेश्चन में सब्सट्रैक्शन ही आ रहा है,
अगर इधर प्लस होगा तो इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा और आंसर ये आना चाहिए। ओके ओके, अभी 20 है तो 20 का कैसे करेंगे, तो 20 इज इक्वल टू रूट 5 है तो 5 वाला कुछ सोचना पड़ेगा, तो 5 इंटू 4 20 होगा, और 4 है तो 5 को हम रूट फाइव लिख सकते हैं। ओके, तो एक हो जाएगा 4 रूट 5 और एक हो जाएगा √5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 आ जाएगा, और दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 3 रूट 5 आ जाएगा। एक और सब्सट्रैक्शन करेंगे इन दोनों का तो √5 कॉमन निकल जाएगा, 4 माइनस 1 तो ये 3 रूट 5 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 4 रूट 5 और ये हो जाएगा √5। अभी साइन देना है तो प्लस वाला साइन बड़े वाले को, माइनस है तो इधर अपोजिट साइन, याद रखना साइन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, क्या हुआ, तो अभी ये हम 2y², इसको क्या लिख सकते हैं, 4√5y, इसको लिख सकते हैं √5y -10 0। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से कॉमन निकालने से अच्छा हम क्या करें, ये इधर ले लेते हैं क्योंकि ये √5 वाले साथ हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो नहीं रुको, इसमें से 2y कॉमन निकाल देते हैं तो इधर बचेगा y और इधर बचेगा 2√5। ओके, और इधर से √5 कॉमन निकालेंगे तो इधर आ जाएगा y और इधर आ जाएगा 2√5 = 0। ओके, तो अभी 2y -√5 और y +2√5 = 0। तो इधर से आ जाएगा y इज इक्वल टू √5/2 और इधर से आ जाएगा y इज इक्वल टू -2√5। तो इस पॉलीनोमियल के जीरोस हो गए √5/2 और -2 × √5। ओके, तो दिया है a इंटू x² + 1 माइनस xa² + 1। तो पहले तो देखो ये अपने जनरल फॉर्म में ही नहीं है, तो p ऑफ x जो हम लिखेंगे a इंटू x² + 1 माइनस xa² + 1, तो ये आपको जनरल फॉर्म में दिख रहा है, ये x के साथ ये भी और x² के साथ a और ये 1, ये 1 दिक्कत ला रहा है, ये जनरल फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे, a² + a -xa² - x। ओके, तो अभी x² वाली टर्म साथ में तो ax² फिर x वाली टर्म तो -xa² - x + a। अभी ax² इधर से -x a² + 1 और इधर आ जाएगा a। ओके, अभी अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम जो वो कर रहे थे कि इसका कोफिशिएंट ले रहे थे, इसका कोफिशिएंट ले रहे थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो a इंटू a क्या होगा a² तो प्लस a² है तो प्लस अलग लिखेंगे, a² अलग लिखेंगे, फिर बीच में क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है -a² + 1, तो उसका माइनस अलग लिखेंगे, a² + 1 अलग लिखेंगे। अभी a² के फैक्टर निकालेंगे जिसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a² आना चाहिए, और उसका एडिशन करेंगे, फाइनली एडिशन आ गया, एडिशन करेंगे तो a² + 1 मिलना चाहिए। तो a² के कैसे फैक्टर होंगे, a² के एक तो a इंटू a होगा, फिर होगा a² × 1, तो देखो a² × 1 करूँगा और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो a² आ जाएगा, और दोनों का एडिशन करूँगा तो ये आ जाएगा, तो वही तो चाहिए, और साइन भी देनी होगी, तो ये माइनस बड़ा कौन सा है, a² या 1। अभी हम ऐसा मान के चल रहे कि a² 1 से बड़ा ही होगा, तो माइनस वाली साइन है इसे दे देंगे, इधर प्लस है यानी कि पहले वाली को जो साइन दी वही दूसरे वाले को भी देनी है, तो यही साइन इधर भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी बड़ा या छोटा मान सकते हो, प्लस है इसलिए। ओके, तो अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -xa² - x + 1। अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ हमने ये x को अंदर मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही उसके फैक्टर्स दे ही रखे हैं, इतनी सारी मथामन करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, देखो सोच के क्वेश्चन करो, ऐसे नहीं कि बस किए जाओ किए जाओ किए जाओ,
देख के सोच के करो। ओके तो अभी हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, ए एक्स कॉमन निकलेगा, तो इधर एक्स आ जाएगा, इधर क्या रहेगा, ए एक्स कॉमन निकल जाएगा, इधर ये रहेगा, इधर माइनस वन निकलेगा, एक्स माइनस ए। ओके तो ये आ गया, अरे इसकी वैल्यू जीरो से कंपेयर करनी है ना, इधर जीरो लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी ए एक्स माइनस वन आ जाएगा, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन a और इधर से x की वैल्यू आ जाएगी a। ओके तो अभी सिर्फ 6, 8 और 9 क्वेश्चन ही बाकी है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही करें स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है जनरल फॉर्म में है कि नहीं वो चेक करना है, दूसरा स्टेप है p ऑफ x को 0 के साथ कंपेयर करो और फिर सॉल्व करना है। सॉल्व करने की मेथड मैंने बहुत से बार दिखाई है आपको, तो आई होप वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका कुछ सजेशन है या आपको कुछ दिक्कत आती है उसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।